this is World of Bollywood and I'm Joanna, and over the next half hour you are going to experience the fresh dose of all that makes the world go round in Tinsel Town. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot bowling chatter, from everything from the hottest parties to the most scandalous moments, the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. Well, Jai Ho ke trailer launch par Salman ke saath brothers Sohail aur Arbaaz Khan bhi present the. और इन्होंने किए फिल्म से रिलेटेड एक से बढ़कर एक रिवेलेशंस। इस फिल्म का जो नाम है वो चेंज हुआ दो बार, उसका क्या रीजन था? क्योंकि हम मेंटल हैं, हमने चेंज कर दिया। सुन लो, अगर जानना है कि मेंटल से जय हो कैसा टाइटल हुआ तो फिर सुनना जरूरी है, क्यों मैं कुछ बोलूंगा कोई और कुछ सुनेगा, फिर वो आपको बाद में समझाएगा, गलत समझाएगा, मेरे मुंह से समझना। मेंटल एक वर्किंग टाइटल था, अब एक रहे इंटेलिजेंट खान, एक रहे बादशाह खान, एक रहे सैफ अली खान। आप में से कुछ एक आती ऐसे जर्नलिस्ट होंगे जो के शायद मेंटल खान बुलाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी के जितने भी खान हैं वो सब अपसेट हो जाएंगे, स्पेशली मेरे फादर। अब फादर की बात सुनना चाहिए, चाहे आप की एज कुछ भी हो, आप खुद फादर बनने के की एज पर हो। हमारे फादर को इस टाइटल से थोड़ा सा एतराज था, तो हमने बोला कि अगर फादर को एतराज है इस टाइटल से तो फादर की बात हमको मान लेनी चाहिए और हमको इस फिल्म के टाइटल को चेंज कर लेना चाहिए। इत्तेफाकन ये जो टाइटल आया हमारे दिमाग में, हमारे फादर के दिमाग में, वो मेंटल से बहुत ही अच्छा टाइटल था, जय हो। सी द स्टोरी बिहाइंड इट इज माय फादर वेयर्स इट, और मेरे फादर के हाथ में ये बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मेरे फादर सो रहे थे, मैंने इनके फादर मेरे अपने फादर के हाथ से यूँ निकाल लिया, इसका जेरोक्स बना लिया और फिर इसको मैंने अपने लिए बनवा लिया। अब तब से ये अब तक मेरे हाथ में है। सोहेल का ये आइडिया था कि और ये नहीं कि ये पहली बार किया है, ये पहले भी किया है हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ क्वालिटी इसके अंदर दिखाई देती है। दिस इज अ वेरी टिपिकल एंड अ वेरी एक्सुबरेंट स्टेप। डू यू थिंक पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस आल्सो? जब से आमिर की टोपी पहनना शुरू की है, ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। धूम का तो मुझे पता ही है, लेकिन जय हो भी धूम मचाएगी। हम हमारे दबंग के डायरेक्टर को हमारे भाई को लेके घूमते हैं, लकी मैस्कॉट वो हमारे घर के चौधरी हो गए, क्योंकि ये दो ब्लॉकबस्टर धनाधन इन्होंने दिया एक के बाद एक, तो साथ में रखो कैसा दिन का ये दबंग का लक हम पे रवा हो जाए इसमें भी। भाई सलमान की बात सही भी है, ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो सलमान ने जब भी सोहेल की फिल्म में काम किया है, एक दो फिल्मों को छोड़कर सारी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी हैं। तकदीर चल रही है, आई होप के हमारी तकदीर काफी स्ट्रॉन्ग हो इस बार। वहीं दूसरी तरफ अरबाज के साथ सलमान की ऑलमोस्ट सारी फिल्म सुपर डुपर हिट रही हैं, तो ऐसे में अरबाज को सलमान का लकी मैस्कट मानने में कोई बुराई भी नहीं। हम हमारे दबंग के डायरेक्टर को हमारे भाई को लेके घूमते हैं, लकी मैस्कट वो हमारे घर के चौधरी हो गए, क्योंकि ये दो ब्लॉकबस्टर धनाधन इन्होंने दिया एक के बाद एक। सोहेल और मैंने डिसाइड कर लिया के फॉर मैन लक, लेडी लक तो बोल नहीं सकते, इनको साथ में रखो कैसा दिन का ये दबंग का लक हम पे रबफ हो जाए इसमें भी। इतनी आपकी फिल्म थी एक का टाइगर, वहाँ टाइगर बने थे और बॉक्स ऑफिस को आपने काफी रोल किया, इसमें भी आप वी कैन फाइंड यू एज अ शेयर, यू फील लाइक कि आप बिलीव करते हो कि आप ही बॉक्स ऑफिस के शेयर खान होगा? शेयर नहीं, वो जो शॉट है ना वो एक्चुअली किसी को काटने जाता हूँ। एक्सप्लेन टू हिम। हम सब तीन भाइयों के हिसाब से सिर्फ एक ही शेर खाने में सलीम खान। वेल,
सलमान आप खुद को बॉक्स ऑफिस का शेर खान माने या ना माने, लेकिन जय हो के ट्रेलर लॉन्च पर फैंस से मिले ह्यूज रिस्पांस को देखकर तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देगी। धूम का तो मुझे पता ही है, लेकिन जय हो भी धूम मचाएगी। मौली सिंह, जिंग, मुंबई। धूम 3 के कमली सॉन्ग में कटरीना कैफ दिख रही हैं कमाल की गॉर्जियस। तो आखिर कैसा रहा कटरीना के लिए इस सॉन्ग का ऑन लोकेशन शूट, चलिए देखते हैं इस सॉन्ग के बिहाइंड द सीन्स में। तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा। ना कॉफी विद करण में रणबीर के कमेंट की खबर। रणबीर ने हाल ही में एक शो में आपको कैटरीना के बाद एज एक्टिंग स्किल्स में गिना, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे आई हैव नॉट सीन द एपिसोड सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। और ना अपने एक्स रणबीर के ड्रंकन मिसबिहेवियर का पता। रिसेंटली रणबीर ने एक कैमरा पर्सन का कैमरा स्नैच कर लिया था हाल ही में पपराजी शूट पे, तो इस चीज के बारे में क्या? आई डोंट कमेंट ऑन थिंग्स दैट आई डोंट नो अबाउट। सो न जाने क्या क्या छिपा है दीपिका की आंखों से। आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा। जी हाँ, दीपिका की आंखों ने जो नहीं देखा वो शायद देखना भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि उनके एक्स रणबीर कपूर खुद गर्जी में आजकल काम ही कुछ ऐसे कर रहे हैं। कभी रणबीर कटरीना को दीपिका से बेहतर एक्ट्रेस बताते हैं, तो कभी दारू पी कर किसी चैनल के रिपोर्टर का कैमरा छीन लेते हैं। वैसे अगर दीपिका इन सब के बारे में जानती भी होती तो शायद ही कोई कमेंट दे पाती। आई डोंट थिंक दिस इज रियली द टाइम फॉर दैट। आई थिंक आई एम हियर मोर फॉर माय लव फॉर डांस, माय लव फॉर शामक। वेल, दीपिका को रणबीर की कर गुजरियों से जुड़े इन सवालों का सामना करना पड़ा शामक दावर के एक डांस इवेंट पर, जहां दीपिका के अलावा कई और सेलेब्स आए थे। लेकिन दीपिका के ओपोजिट रणबीर को लेकर एक्साइटेड दिखे शामक दावर, जिन्होंने कहा कि वो रणबीर को एक फिल्म में डायरेक्ट करना चाहते हैं। रणबीर जी हाँ, शामक रणबीर के ओपोजिट एक न्यूबी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो एक्ट्रेस दीपिका भी हो सकती है ये तो पता नहीं, क्योंकि दीपिका भी शामक की फेवरेट है। आई थिंक दीपिका इज आउटस्टैंडिंग एंड इन रामलीला शी वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग एंड कॉकटेल, सो
She is something else. Always, I've always thought of her as a star. In that sense, because her potential is bahut hai. Lekin phir bhi Shyamak Ranveer ke opposite kisi newbie ko cast karna chahte hain. I don't know yet. Maybe someone new. But all said and done, Deepika wouldn't mind being cast opposite Ranveer. Hame lagta hai ki Deepika is quite open to the prospect. Shyamak is also trying to direct a film soon, and he wants to cast Ranveer as the female. Would you want to be the He's not asked me yet. तो क्या शामक कास्ट कर पाएंगे रणबीर को अपनी डायरेक्टोरियल वेंचर में? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा. लेकिन ऑल इन ऑल इस इवेंट की हाईलाइट तो रणबीर पर दीपिका का ये नो कमेंट स्टैंड ही रहा. So I can't comment on that. I don't comment on things that I don't know about. So. ये नजारा है सचिन जोशी और सनी लियोनी की फिल्म जैकपॉट के प्रीमियर का, जहां फिल्म की एक कास्ट बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स को एक्सपेक्ट कर रही थी. Well, सभी लोगों को इनवाइट किया हुआ है, सारे दोस्तों को बोला है, एंड मेनी अदर फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी हियर. Oh, is he coming tonight? If he comes tonight, it would be nothing but a dream come true. First person I see where I actually get starstruck, I will probably fumble over my words. I know I won't be cool, I won't be savvy in any way. लेकिन आखिरकार फिल्म का प्रीमियर खत्म होते होते यहाँ हाजिरी लगाई तो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान ने, जो हमेशा की तरह यहाँ भी काफी लेट पहुँचे. Very good late evening to you. Thank you very much. Same to you. हमेशा आप अपना वादा निभाते हैं, जरूर आते हैं, चाहे लेट भी हो जाते हैं. कुछ कहना चाहेंगे सचिन के बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में? Sachin's been an old friend and always been there for me. हालांकि लेट होने के बावजूद अपनी गुड विशेस देकर शाहरुख ने इनका जैकपॉट कुछ यूं लगा दिया. I wish the film the best. I wish Sachin all the best and you know Viking production unit which has put this all together. I really wish them the best because I like films and I hope this one does well. साथ ही शाहरुख की मौजूदगी में सनी लियोनी के स्टार स्ट्रक होने की बात पर भी शाहरुख ने इन्हें कुछ इस तरह स्पेशल फील करवाया. I'm in awe. Please don't take anybody's importance away from them. So Sunny is a wonderful actor, so is you know Sachin and Kaisad and everyone, Naseer Bhai of course, and I wish them all the best. If there is a film that I'm fortunate enough to work with Sunny, I would be only too happy. वैसे इस मौके पर काफी दिनों बाद शाहरुख अपने हैप्पी न्यू ईयर वाले बियर्डेड लुक से अलग इस क्लीन शेवन लुक में आए थे, जिसे लेकर भी काफी फनी कॉन्वर्सेशन हुआ मीडिया रिपोर्टर्स और शाहरुख के बीच. आज आपका पहला मतलब क्लीन शेविंग लुक में पहली बार आए और मतलब इतने समय बाद और वो भी इस प्रीमियर पे. Do you find me sexy? You look very pleasant and happy. Yeah, same. आप ऐसे लग रहे थे बिल्कुल सूरज मक्खी का फूल रात के समय भी. Natural beauty, God's blessing. I was born like this. और जाते जाते कुछ इस तरह से शाहरुख ने शेयर किए अपने न्यू ईयर प्लान्स. मैं बच्चों के साथ और फैमिली के साथ ही रहता हूँ, सोनी के साथ रहूँगा, तो जहाँ पर वो होंगे वहीं पर बताऊंगा. यानी कुल मिलाकर शाहरुख लूट ले गए इनकी फिल्म जैकपॉट के प्रीमियर की सारी लाइमलाइट. सुरुचि महतपुर कर कोरे जिंक मुंबई. If ever I get an opportunity at this age to sing another song on Dosti, I shall be wearing a helmet. अमिताभ बच्चन का ये कैंडिड साइड दिखा एट अ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन हेड इंजरी एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जहां बिग बी के साथ स्पॉट की गई नीता अंबानी भी. Today I want to publicly make this statement that if ever the traffic department, the police department would require my services to make a film, a campaign, use my voice, my face for any such campaign that can improve and teach and educate the people, I am there voluntarily to do it. यहाँ अपने ट्रैफिक एक्सपीरियंसेस शेयर करने के अलावा बिग बी ने सभी के साथ मिलकर एक प्लेज भी लिया, विच वॉज क्वाइट इंस्पायरिंग वी मस्ट से. टुडे आई प्लेज दैट आई विल ऑलवेज वेयर अ हेलमेट इफ आई राइड और एम अ पिलियन राइडर. आई विल बी एन इफेक्टिव बाईस्टैंडर एंड हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स. बी अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर. आई विल ड्राइव सोबर, बी फोकस्ड एंड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. I will be aware of speed limits. I will slow down, obey posted speed limits, and stop at red lights, as I understand that though speeding thrills, it also kills. I will. Today, I commit to share this pledge with family, friends, and colleagues
and support the mission of heads, we win. I win. Thank you, ladies and gentlemen. Well, is social initiative ko lekar Big B ka excitement aur commitment waqai kaabile tareef hai. Kudos to him. If we can use our face and our voice to sell products as brand ambassadors, surely we can do something like this for the better of society. अरे ये क्या जिमी शेरगिल घबराए से किसकी तरफ दौड़ रहे हैं और ये प्यार का पंचनामा फेम एक्ट्रेस नुसरत को क्या हुआ नुसरत क्यों चिल्ला रही है इतनी जोर से Well, घबराने की जरूरत नहीं है जनाब दरअसल यहाँ शूटिंग ही एक हॉरर फिल्म की चल रही है जिसका टाइटल है डर एट द मॉल इस फिल्म में जिमी शेरगिल बने हैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर जो एक मॉल में फंसी अकेली लड़की को बचाते हैं और यहाँ एक मॉल की पार्किंग में इस फिल्म का लास्ट सीन फिल्माया जा रहा था ऑलमोस्ट दो रातों की कहानी है और विद इन दैट मच टाइम क्या क्या हो जाता है यहाँ तो जैसे जैसे चीजें होनी शुरू होती हैं एक बार माहौल बनने के बाद फिर उसके बाद तो सांस लेने का टाइम नहीं मिलना चाहिए ऑडियंस एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल है डरावनी फिल्म है जिसके अंदर जो जो हो रहा है वो आपको बहुत डराने वाला है जाबाज सिक्योरिटी ऑफिसर जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अब वो कोशिश कामयाब होती है या कामयाब नहीं होती है वो सब आप लोगों को देखना पड़ेगा वेल सीन और एक्सप्रेशंस परफेक्ट होने के बाद नुसरत ने भी हमसे शेयर किया शूटिंग का एक्सपीरियंस और प्यार का पंचनामा के सीक्वल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स भी सही बहुत आता था गुस्सा ये होता था कि पूरी रात शूट करनी पड़ती है डार्क सर्कल्स है जगह नहीं जा रहा है कॉफी पे कॉफी पिए जा रहे हैं सो इट वाज a completely different experience from what I've done before. The next that I'm going to start shooting in Jan is the sequel of Pyar Ka Panchnama. So hopefully that will be it. That's good because after doing this, I'm going to go back and have fun. So I'm happy. वैसे इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रागिनी एमएमएस के डायरेक्टर पवन कृपलानी अब देखना ये है कि क्या ये फिल्म भी रागिनी एमएमएस की तरह सक्सेसफुल हो पाती है That's all that's making news for now. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके Zing Space Feedback to 57575 और हमें email कर सकते हैं zing@znetwork.com. That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.